फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस हम किसको बोलेंगे? सेक्शन 16 बोल रही है एक वीकर पार्टी है, एक डोमिनेंट पार्टी है, स्टूडेंट एंड टीचर। टीचर ने स्टूडेंट को बोला तेरी मर्सिडीज कार मुझे 5 लाख में दे, और स्टूडेंट मना नहीं बोल पाया, उसको दे दिया। That is a what? Undue influence. क्वेश्चन में रिलेशन होना जरूरी नहीं है, undue influence में रिलेशन होना जरूरी है। रिलेशन सबसिस्ट, एक वीकर पार्टी है, दूसरी डोमिनेंट पार्टी है, एक पार्टी दूसरे को इंड्यूस कर रही है, एक पार्टी उसका अनफेयर एडवांटेजेस ले रही है। रिलेशन सबसिस्ट, इंड्यूस अदर पार्टी, डोमिनेंट पार्टी इंड्यूस टू वीकर पार्टी, अनफेयर एडवांटेज टेकन बाय डोमिनेंट पार्टी, देन यू कैन से दैट देयर इज ए अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स, यू कैन से इट इज अज्यूम, इट इज डीम्ड टू बी इन रियल और अपेरेंट अथॉरिटी एंड डोमिनेट द अदर्स विल। आप कब बोल सकते हो कि यहां एक पार्टी डोमिनेंट है, एक पार्टी दूसरी की इच्छा पे प्रभुत्व रखती है, वो कब बोल सकते हो? तो फर्स्ट पॉइंट ए में है, आप रियल और अपेरेंट अथॉरिटी है आपके पास। नॉर्मल सोसाइटी में आप देखोगे तो पापा के पास अपने सन के विल पे रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, होगी। सर होगी क्यों बोल रहे हो, आज का जमाना है। लेकिन रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी यानी बाप जैसे बोलेगा वैसे बेटा करेगा, ये रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी है। सेकंड, ही स्टैंड्स इन ए फिड्यूसी रिलेशनशिप, सोलिसिटर एंड टीचर, सोलिसिटर एंड क्लाइंट। क्लाइंट का वो टॉपिक ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं पड़ता, सोलिसिटर जैसे बोलेगा वैसे ही क्लाइंट करेगा। त्यां फिड्यूसी रिलेशन, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, एक दूसरे पर विश्वास है, त्यां फिड्यूसी रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट चीज रियल अपेरेंट अथॉरिटी, सेकंड फिड्यूसी रिलेशनशिप, एंड थर्ड मेंटल कैपेसिटी ऑफ वीकर पार्टी टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड। एग्जाम्पल आप देखो, बहुत ही इल हेल्थ है, वो जिसके घर में रहता है वो उसका जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है वो जो बोलेगा ना वो इन हेल्थ पर्सन को करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। तो थर्ड है मेंटल कैपेसिटी टेम्पररी एंड परमानेंटली अफेक्टेड बाय व्हाट? ड्यू टू एज, इलनेस, डिस्ट्रेस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है ओल्ड इलिटरल पर्सन, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, उसके विल पे कोई डोमिनेट जल्दी कर सकता है ऐसा लो बोल रहा है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल आपको दिए हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस का, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल मुझे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। ए ने एडवांस मनी अपने बी बेटे बी को दिया, बी जब मेजर हो गया तब बी के पास से ग्रेटर अमाउंट का बॉन्ड साइन करवाया। तो ग्रेटर अमाउंट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? तो बी एम्प्लॉयड द अनड्यू इन्फ्लुएंस। पापा बोलेगा तो सन तो साइन करके ही देगा ना, ग्रेटर अमाउंट का बॉन्ड साइन करवाया है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का अनफेयर एडवांटेजेस, गलत फायदा लिया है। एग्जाम्पल 13 दिया है आपको, एक आदमी है एम्फेबल्ड बाई ए डिसीट्स ऑफ एज, एज की वजह से वो कैपेबल नहीं है कि वो सोच पाए, बहुत ही ज़्यादा एज है या डिसीज है, मेंटल कैपेसिटी भी अफेक्टेड है। एट दैट टाइम उसका मेडिकल अटेंडेंट जो है ना वो कुछ भी बोलेगा ना तो ये पेशेंट करने वाला ही है। मेडिकल अटेंडेंट पेशेंट के पास से अनफेयर फिगर प्रोफेशनल सर्विस का मांग रहा है, मेरी एक विजिट का 5 लाख होगा, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर नहीं है,
तो अनफेयर एडवांटेजेस मांगा है, तो यहाँ पे बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया, ऐसा माना जाएगा। फ्रेंड्स, ए ने बी को लोन दिया, लेकिन एट द टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज वेरी हाई। ए ने बी को लोन दिया, पर मंथ 3% से दिया, तब ए को प्रूव करना है कि मैंने उसको इंड्यूस नहीं किया, उसकी इमरजेंसी ऐसी थी इसलिए वो लेके गया है। मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा तो मैंने लोन दिया है लेकिन उसमें अनफेयर एडवांटेजेस, गलत फायदा लिया है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से वो वॉइडेबल हो सकता है। एग्जाम्पल 15 में वही वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंजेंट मनी मार्केट। कभी कोई मनी देने के लिए ही रेडी नहीं था, तब आपको इमरजेंसी मनी की नीड थी। मैंने आपको 2% पर मंथ से इंटरेस्ट दिया हुआ, इंटरेस्ट से आपको मनी दिए हुए हैं, स्ट्रिंजेंट मनी मार्केट था। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी आप यहाँ अंडर इन्फ्लुएंस नहीं बोल सकते, क्यों? आपका सिचुएशन स्ट्रिंजेंट मार्केट की वजह से आपने ज़्यादा रेट दिया है, रिलेशन नहीं था, तो यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट इंग्रेडिएंट एंड एनालिसिस वो डेफिनेशन के ही पार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज कौन सी है? दोनों पार्टी है ना, वो नियर रिलेशन में होनी चाहिए, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे इन्फ्लुएंस रखनी चाहिए। और इन्फ्लुएंस यानी डोमिनेंस, फॉलोइंग सिचुएशन में ऐसा बोल सकते हैं कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी में डोमिनेंस है। फर्स्ट सिचुएशन इज रियल एंड अपेरेंट ऑथोरिटी। कौन से रिलेशन में देखते ही मालूम पड़ जाता है कि यहाँ ऑथोरिटी होगी? डॉक्टर एंड पेशेंट ऑथोरिटी है ना, डॉक्टर बोलेगा वही पेशेंट करेगा। मास्टर एंड सर्वेंट, मास्टर बोलेगा वही सर्वेंट करेगा, तब तो नौकरी में टिकेगा। फादर, हमारे हिंदू कल्चर में और हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में बोले तो फादर बोले वो सन करना ही है उसको। तो यहाँ पे रियल एंड अपेरेंट ऑथोरिटी दिख रही है, इसीलिए यहाँ पे अनफेयर एडवांटेजेस लेगा कोई तो आप अंडर इन्फ्लुएंस मान पाओगे। फिड्यूसी रिलेशनशिप, सोलिसिटर एंड क्लाइंट, क्लाइंट का वो टॉपिक ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं पड़ता, सोलिसिटर जो बोलेगा वही उसको करना है। क्लाइंट ने सोलिसिटर पे ट्रस्ट रखा है, कॉन्फिडेंस रखा है। हस्बैंड एंड वाइफ, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, यहाँ भी फिड्यूसी रिलेशनशिप है। 18 एग्जाम्पल स्पिरिचुअल गुरु का दिया है। स्पिरिचुअल गुरु ने अपने डिवोटी को दिया, अपने चेले को बोला तू मुझे तेरी सब प्रॉपर्टी दे दे, मैं तुझे सेल्वेशन यानी मोक्ष दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। यहाँ पे फिड्यूसी रिलेशनशिप है, गुरु है वो डोमिनेंट पार्टी है, गुरु ने कुछ अनफेयर फायदा लिया हुआ है, तो आप ऐसा बोलोगे यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। मेंटल डिस्ट्रेस हमने देखा, एम्फेबल ड्यू टू प्रोट्रेक्टेड इलनेस, बहुत ही ज्यादा उसको बुखार है, बेभान हो गया है वो, ऐसी सिचुएशन है। टेम्पररी परमानेंटली वो सोच पाए ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है, एज की वजह से, डिसीज की वजह से इलनेस है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी ने अनफेयर एडवांटेजेस लिया है तो वहाँ पे आप अंडू इन्फ्लुएंस मांग सकते हो। अनकॉन्सियसनेबल बार्गेन्स, वॉट इज अनकॉन्सियसनेबल? फ्रेंड्स, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% चल रहा है लेकिन आपने 2% से लोन किसी से लिया हुआ है, एट द टाइम अनकॉन्सियसनेबल रेट, अनफेयर रेट माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मनी लेंडर को प्रूव करना पड़ता है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, वो नहीं प्रूव कर पाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत एक्सोर्बिटेंट, बहुत ज़्यादा है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट फ़ायदा लेने का ही होना चाहिए, जहाँ पे बंदा ऐसी पोजीशन में है कि दूसरे के विल पे असर करता है, इफेक्ट करता है, ऐसी सिचुएशन में उसने फ़ायदा लिया है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है ही है। एग्जाम्पल रिवर्स दिया है, देखो ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में, केस स्टडी में ऐसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, एक्सप्लेनेशन जो डायरेक्ट दी होती है ना वो एग्जाम्पल नहीं पूछते, जो कंसेप्ट से ऑपोजिट साइड का होता है ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोला क्या है यहाँ आपको, ऑब्जेक्ट आपका अनड्यू एडवांटेजेस लेने का है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है,
एग्जाम्पल क्या है वो तो देखो, एक टीचर की अपनी डॉटर और उसका एक वन ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट, सेटल्ड स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उस दोनों के बीच में उसने एंगेजमेंट करवाई, मैरिज करवाया, तो यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस है नहीं, यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है। वर्डिंग में अंडरलाइन करो, बोथ 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 बॉय एंड गर्ल दोनों स्मार्ट है, दोनों इंटेलिजेंट है, इसीलिए यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है। आप एग्जाम में क्या करोगे, टीचर स्टूडेंट देखोगे, बोल दोगे ओहो यहाँ तो अंडू इन्फ्लुएंस है, दूसरे वर्ड्स पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे एग्जाम्पल ही पूछते हैं। बोथ आर इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सेटल्ड, हेंस नो अंडू इन्फ्लुएंस। कभी भी मैटर कोर्ट में जाएगी, लिटिगेशन में जाएगी, तो किसको प्रूव करना है यहाँ अंडू इन्फ्लुएंस है या नहीं है, डोमिनेंट पार्टी को। स्टूडेंट तो बोल देगा मुझे अनजस्टिस हुआ है, मेरी 1 लाख वाली गाड़ी थी भाई साहब 10 हजार में लेके गए हैं, मुझे प्रूव करना है। नहीं नहीं भाई, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पे, वो मार्केट में 10 हजार में पेपर में एड दी हुई थी, उसकी गाड़ी है वो भंगार है, स्क्रैप में डालने की थी, वो तो मैंने उसको लेके स्क्रैप में डाल दी है, मुझे चाहिए नहीं थी, उसको मनी की ज़रूरत थी ना, वो फी भर पा ऐसी सिचुएशन नहीं थी ना, इसलिए मैंने उससे ली थी गाड़ी, यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस है ही नहीं, कौन प्रूव करेगा, डोमिनेंट पार्टी। वीकर पार्टी तो बोल के छूट जाएगी यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस था, प्रूव करने की जरूरत उसको नहीं है, डोमिनेंट पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन डोमिनेंट पार्टी, अंडू इन्फ्लुएंस की वजह से कॉन्टेक्ट अवॉइडेबल होगा, और स्टूडेंट है, पेशेंट है, वीकर पार्टी है, वो कॉन्टेक्ट को रद्द कर सकती है, कैंसल कर सकती है, और जब तक कोई डिसीजन आए तब तक कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एब्सोल्युटली सेट असाइड कर देगी, वो इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब कोर्ट पूरा स्टडी करके फ्यूचर में उसको ठीक लगेगा वैसी कंडीशन डाल के आपको बोलेगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट अमल में आ सकता है। एग्जाम्पल दिया है, एक मनी लेंडर ने एक खेडूत को, एग्रीकल्चरलिस्ट को 1 लाख रुपीज का एडवांस दिया था और 2 लाख का बॉन्ड साइन करवाया था। फ्रेंड्स, कोर्ट सेट असाइड करेगी और ठीक लगेगा वैसे इंटरेस्ट के साथ एग्रीकल्चरलिस्ट मनी वापस करेगा, लेकिन बॉन्ड है वो लीगल नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल वेरी इजी, टीचर्स ने स्टूडेंट्स के अंडू इन्फ्लुएंस का यूज़ करके और उसके पास से कुछ फ़ायदा लिया है, न्यू ब्रांडेड कार है वो कम प्राइस में ली हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, और फादर ने भी ली हुई है गाड़ी तो वो भी अंडू इन्फ्लुएंस में माना जाएगा। यहाँ तो सिर्फ टीचर बोला है, और फादर को जब मालूम पड़ा तब उसने अपने बच्चे को एक्सप्लेन किया, समझाया, और बाद में स्टूडेंट कोर्ट में गया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा पाया। बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल स्टडी करने की इस टॉपिक में ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल इतना ही समझो, टीचर्स ने ब्रांडेड कार है वो लेस प्राइस में ली हुई है इसीलिए, और मोर मार्क्स देने की वजह से उसने दी हुई है, तो यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में स्टूडेंट की इच्छा से, अग्रेड पार्टी की इच्छा से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है एंड कैंसिल भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के फुल सब्जेक्ट के फुल वीडियो डिटेल में मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, मटेरियल सामने रख के पढ़िए। अगेन थैंक यू वेरी मच।